नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों को जीवन बीमा के रूप में मिलने वाली 2 लाख रुपए की धनराशि को बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ये सौगात दीपावली के तोहफे के रूप में पर्यावरण मित्रों को दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण मित्र हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है और प्रदेश सरकार पर्यावरण मित्रों के हित में हमेशा काम करती रही है। देखिए, हमारे पर्यावरण मित्र हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमारी सरकार लगातार उनके हित में हमेशा काम करती रही है। चाहे मिनिमम 500 रुपया रोज का उनको देने की बात हो या उनको कभी वेशभूषा वर्दी देने की बात हो, और अब हमने एक जो उनको उनका इंश्योरेंस की बात आई तो आप जानते होंगे पहले हमने 2 लाख का उस पर विचार किया था, उसको हमने 5 लाख रुपए किया है। ये बहुत बड़ी राशि। ऋषिकेश के जयराम आश्रम में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में शहर हजारों श्रद्धालु गोवर्धन पूजा के लिए पहुंचे। इस दौरान जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के महत्व के बारे में श्रद्धालुओं को जानकारी दी। जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने बताया कि गोवर्धन पूजा का महत्व भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। जो भगवान इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुलवासियों को भारी बरसात से बचाया था। उन्होंने बताया कि गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के मौके पर भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा को लेकर देश में उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं ऋषिकेश में भी गोवर्धन पूजा के अवसर पर भगवान कृष्ण की पूजा की गई। जयराम आश्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, तो वहीं श्रद्धालुओं को गोवर्धन पूजा के महत्व के बारे में समझाया गया। तस्वीरें ऋषिकेश के जयराम आश्रम से हैं, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सभी भक्तों ने धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाई। आज का दिन संवर्धन का है, आज का दिन समर्पण का है, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर घमंड होता है उसको मैं रहने नहीं देता, घमंड को रहने नहीं देता। जहां वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की गोपियों के साथ और गौ सेवा की, तो वहीं पे भगवान की लीला को देख करके इंद्र ने एक बार अपने भोग न लगने की वजह से उनको गुस्सा आता है और गुस्से से वो पूरे वृंदावन को बारिश से लबालब कर देते हैं। तो जब देखते हैं कि 7 दिन से लगातार मैं बारिश कर रहा हूं तो कोई वृंदावन में धूल उड़ रही है, तो इसका क्या कारण है? मैं गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूं और तीर्थनगरी ऋषिकेश और उसमें भी जयराम आश्रम में हम लोगों ने कितना सुंदर यहां व्यवस्था के बाद गोवर्धन की हमने पूजा की है, भगवान श्री कृष्ण जी की हमने पूजा की है। सब जानते हैं कि इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए भगवान जी ने और गोवर्धन को अपनी एक उंगली में उठाया था और उस गोकुल धाम की रक्षा की थी। तो आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण हमारी सबकी रक्षा करेंगे। जहाँ तक गौवंश की बात है, आज के दिन से हम लोग गोपाष्टमी तक, बल्कि कहिए कि अगले नवमी तक हम लोग गौ नवरात्र के रूप में भी मानते हैं। हर दिन हम गौ की गौवंश की पूजा करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर ये देखने के लिए मिलता है कि सरकारी अस्पताल हो या फिर स्कूल, दोनों ही जगह कर्मचारी अक्सर गायब रहते हैं। अब ये शिकायतें आम हो चुकी हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों के अस्पतालों में डॉक्टर अपने समय पर नहीं आ रहे या फिर कई दिनों तक गायब रह रहे हैं। इसके साथ ही स्कूलों की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही है।
और इन्हीं सबको देखते हुए अब उत्तराखंड के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दोनों ही विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और बड़ा फैसला लिया। धन सिंह रावत ने बताया कि अक्सर देखने को मिलता है कि डॉक्टर और शिक्षक गायब रहते हैं, तो वहीं अब आप हम ऐसे कर्मचारियों के ऊपर सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में जो भी डॉक्टर हो या शिक्षक हो या कोई भी अधीनस्थ कर्मचारी हो, और अगर वो 3-3 साल से विभागों से नजारत है तो उनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि सरकार अभी तक 18,000 लोगों को नौकरी दे चुकी है और हमारी प्राथमिकता रहती है कि लोग जल्दी से ज्वाइन करें और राज्य की सेवा करें। लेकिन कई कार्मिकों का देखने को मिल रहा है कि दो दो 3-3 साल से नदारत है। अभी तक लगभग 200 लोगों पे हमने एक्शन कर दिया है, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे कार्मिक। किसानों को पशुओं और मुर्गियों को बिक्री की बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने के लिए पशुपालन विभाग ने ITBP के साथ विशेष MOU किया है। इस बात पर उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुड़ा ने कहा कि उत्तराखंड के पशुपालकों, मत्स्य पालकों और मुर्गी पालकों को अपने सामान का व्यापार करने के लिए मार्केट उपलब्ध कराना हमारा मुख्य मकसद है, जिसके लिए ITBP एक नामी संस्थान है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि पशुपालकों और दुग्ध पालकों की आय दोगुनी हो, उसके लिए ये कदम कारगर साबित होगा और ये पर्वतीय क्षेत्रों में कुल 200 करोड़ रुपए का व्यापार उपलब्ध कराएगा। देखिए, कोशिश थी पशुपालन विभाग की कि उत्तराखंड के पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को और हमारे कुक्कुट पालकों को एक चेन ऑफ मार्केटिंग, चेन ऑफ लाइन मिले, जिससे कि उनका जो सामान है, उनके जो बकरी है या वो ट्राउट फार्मिंग है या वो हमारे कुक्कुट है, इनको मार्केट अवेलेबल कराना हमारा मेन मकसद था। और ITBP एक बहुत बड़ी संस्था है, एक नामी संस्था है हमारी, और 8 महीने से चर्चा चल रही थी। लेकिन आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को और मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले धन्यवाद दूंगा जिनके सामने ये MOU हुआ, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी को, और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पशुपालकों की, अपने दुग्ध पालकों की, मत्स्य पालकों की आय दुगनी करनी है, उस पर ये कदम जो है काफी साकार होगा। आज एक MOU पशुपालन विभाग के सचिव महोदय और ITBP के IG साहब के मध्य माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार और माननीय पशुपालन मंत्री जी उत्तराखंड सरकार की उपस्थिति में किया गया है। इससे हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं, जो हमारे वाइब्रेंट विलेजेस हैं, वहाँ के जो पशुपालक हैं और जो भेड़ बकरी का व्यवसाय कर रहे हैं, मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों को एक ओपन मार्केट अवेलेबल हुआ है। इस MOU से यह है कि जहाँ ITBP अपने जवानों के लिए मांस उत्पादन के लिए बकरी, भेड़ या चिक की सप्लाई मांगेगी, क्षेत्र बढ़ते नशे के खिलाफ BJP विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। आगामी 5 नवंबर को चक्की मोड़ से विधायक अरविंद पांडे पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए अपील की है। बता दें कि इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में युवा वर्ग नशे का आदि होता जा रहा है, साथ ही उन्होंने कुछ सफेद पोश लोग भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल भाई साहब, आपकी ये बात बहुत ही सोचने वाली है कि कोई पुलिस के अधिकारी अगर जो इस नशे के खिलाफ काम करते हैं, तो ऐसे पुलिस वालों को हम साधुवाद देते हैं आपके माध्यम से। लेकिन अगर जो कुछ ऐसी घटना घटी है, मेरी जानकारी में भी आया है कि कुछ यहां, देखो भाई, मैं तो कहना चाहता हूं कि मोमबत्ती लेके
और चार दिए जला के जो ये अफीम बेचने वाले हैं, स्मैक बेचने वाले हैं, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ऑल वेदर रोड परियोजना को लेकर कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार के कार्यकाल के दौरान इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, वर्तमान सरकार इसे आगे बढ़ा रही है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के पूर्व के विकास कार्यों को देखते हुए जनता कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाकर विधानसभा में भेजेगी, तो वहीं इस मामले में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष खजान दास ने कहा कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है। ऑल वेदर रोड परियोजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा की जनता प्रदेश और केंद्र सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए बीजेपी के प्रत्याशी को जीत दिलाएगी। देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस आरोप लगाना जानती है और धरातल को नहीं देखती है, सच्चाई क्या है। ये कार्य मोदी जी की कृपा दृष्टि से हुआ है। मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है उत्तराखंड के लिए और केदारनाथ के लिए और बिदर रोड को, राज्य में गडकरी जी का भी नाम लेना चाहता हूँ, गडकरी जी ने जिस तरह से जो है पूरे भारतवर्ष में जो रोड़ों का जाल बिछाया है, पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में सांप्रदायिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे पूरे उत्तराखंड का माहौल कई जगह खराब होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि पहले उत्तरकाशी, चमोली और अब श्रीनगर, गढ़वाल, इन तीनों ही जगह में सांप्रदायिक घटनाएं देखने को मिली, जिसका स्थानीय लोगों ने खुलकर विरोध किया। तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो ऐसी घटनाओं से जुड़े हुए थे, उन्हें उस जगह से निकलने की बात कही गई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं में सम्मिलित सभी लोग बाहरी हैं, वो सब बाहर से आकर यहां का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा सारा लेकर कौन इस देवभूमि के माहौल को खराब कर रहे हैं? आखिर उनके कड़ाई से विरोध करने की आवश्यकता है। हम शांत भाव से रहने वाले लोग हैं। उत्तरकाशी के अंदर वो चाहे हिमाचल की घटना हो, उत्तरकाशी में दूसरा विषय है, हिमाचल के अंदर तो मुस्लिम बंधुओं ने खुद ही अब मस्जिद को तोड़ना शुरू किया है। तो जहाँ पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, इस प्रकार के निर्माण हो रहे हैं, देवभूमि के शांत स्वरूप को बिगाड़ने का जो लोग काम कर रहे हैं, सरकार उन पर कड़ाई से निपटेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस प्रकार की घटनाएं जो एक षड्यंत्र के तहत एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है।
मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया व सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस माँ भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियाँ लाई गयी है। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहां 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं इसके साथ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने केदारनाथ में सरकार की अव्यवस्थाओं को मुद्दा बनाकर इस बार अपनी जीत का दावा ठोका है, जिसे लेकर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बदहाल व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एकीकरण के नाम पर बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और जिस तरह बद्रीनाथ और मंगलौर का उपचुनाव हमने जीता, उसी तरह केदारनाथ उपचुनाव में भी हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कहीं पर भी किसी भी अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है, विशेषज्ञ की बात तो, स्पेशलिस्ट की बात तो छोड़ दीजिए, स्टाफ नहीं है, अध्यापक नहीं है, एकीकरण के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तमाम विषय हैं, राज्य के विषय हैं, देश के विषय हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, ध्वस्त कानून व्यवस्था, डर और भय का माहौल, तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाना चाहेंगे। जिस तरह से बाबा केदारनाथ से पहले चुनाव जो हो रहा है, उससे पहले बद्रीनाथ का उपचुनाव, मंगलौर का उपचुनाव,
प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा माहरा दसौनी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार हठधर्मी है और निकम्मी सरकार है। बीजेपी को निकाय और पंचायत चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसीलिए हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद भी चुनाव नहीं करवा रही। कभी यह कांवड़ यात्रा, चारधाम यात्रा और प्रदेश में आपदा का बहाना बनाकर चुनाव को टालने का काम कर रही है। गरिमा माहरा दसौनी ने कहा कि प्रदेश की जनता को भी लगने लगा है कि कमल का फूल हमारी भूल है। ये हठधर्मी सरकार है, ये जिद्दी सरकार है और कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी सरकार है। इसलिए क्योंकि इनको पता है कि इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है पंचायत और निकाय चुनाव में, इस करके ना ये चुनाव करा रहे हैं, लगातार ये उल जलूल जो है तकरीरें दे रहे हैं हाईकोर्ट के मद्देनजर। आप हाईकोर्ट को देखिए, कितने बार फटकार लगा दी हाईकोर्ट ने। कभी कहते हैं चारधाम यात्रा चल रही थी इसलिए हम नहीं करा पाए, कभी कहते हैं आपदा आ गई प्रदेश में इसलिए हम नहीं करा पाए, कभी कहते हैं कांवड़ यात्रा चल रही थी इसलिए नहीं करा पाए, तो कभी कहते हैं लोकसभा चुनाव आ गए थे इसलिए हम नहीं करा पाए। तो इनके पास हर चीज के लिए लेम एक्सक्यूज है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची में राज्य के वरिष्ठ नेताओं सहित अन्य राज्यों से भी कुल 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है, जिसमें कांग्रेस के छोटे बड़े नेता प्रचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक मनोज रावत पर ही भरोसा जताया है, तो वहीं बीजेपी ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल को मैदान में उतारा है। केदारनाथ सीट पर 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी, तो वहीं मतदाताओं की स्थिति पर नजर डाली जाए तो इस सीट पर 90,540 मतदाता हैं, जिसमें 44,765 पुरुष मतदाता हैं और 45,775 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 2,949 सर्विस वोटर शामिल हैं। केदारनाथ उपचुनाव हर लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, ना सिर्फ उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बल्कि ये देश को दिशा देने वाला एक संदेश देने वाला चुनाव है। अयोध्या और बद्रीनाथ हारने के बाद अगर केदारनाथ में भी हम हैट्रिक लगाते हैं तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के लिए बूस्ट करने वाला चुनाव हो सकता है, उसमें एक नई ऊर्जा और नई शक्ति प्रदान करने वाला चुनाव हो सकता है। तो ऐसे में पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी इसमें अपनी लगा रही है। इसी के मद्देनजर 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देहरादून के गड्ढा युक्त सड़कें राजधानी की सुंदरता को दाग लगा रही हैं। शहर के प्रिंस चौक से लेकर पटेल नगर के लाल पुल तक रोड पर सबसे ज्यादा गड्ढे हैं। इसके बाद मुख्य बाजार प्लटन बाजार में 4 दर्जन से अधिक गड्ढे हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल कुछ पार्क और एक परेड ग्राउंड और इसके अलावा कुछ सड़कें वो ठीक की गई, उनको स्मार्ट बनाया गया, कुछ स्मार्ट शौचालय बना दिए गए, लेकिन पूरा देहरादून स्मार्ट सिटी के नाम पर बर्बाद कर दिया गया है। जो सबसे पहले दो चीजें स्मार्ट सिटी में लेनी चाहिए, एक तो सीवर लाइन की व्यवस्था, अभी कम से विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। जय बाबा केदार के जय घोष तथा भारतीय सेना के बैंड के धुनों के बीच विधि विधान के साथ और धार्मिक परंपराओं के साथ कपाट बंद कर दिए गए। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय समेत 15,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। तो वहीं कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया था। कपाट बंद होने के अवसर पर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि इस यात्रा काल में रिकॉर्ड 16.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री श्री केदारनाथ धाम पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से भव्य और दिव्य केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो रहा है। रामनगर में बम पटाखों की चपेट में आने से 6 साल के बच्चे सहित करीब आधा दर्जन ज्यादा युवा बम पटाखों की चपेट में आने से झुलस गए, जिनका उपचार रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में किया गया। बता दें कि प्रदेश में 30 और 1 नवंबर को दिवाली मनाई गई। कुछ लोगों द्वारा 30 नवंबर को
अक्टूबर को दिवाली पर्व मनाया गया, तो वहीं कुछ लोगों द्वारा 1 नवंबर को दिवाली का पर्व मनाया गया। तो वहीं दिवाली के पर्व पर रामनगर के अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले 6 से ज्यादा लोग बम पटाखों की चपेट में आ गए। जी, जैसे कि रामनगर में दिवाली मनाई गई है, उसमें कल और परसों हमारे यहाँ दिवाली मनाई गई है, तो लगभग मान के चलिए यहाँ पर हमारे यहाँ ज्यादातर केसेज आए हैं, जिसमें कुछ 8-9 के लगभग केसेज आए, जिसमें रात्रि के टाइम पर भी कल हमारे यहाँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।